है, मम्मा ने दाल मखनी बनाई है और अभी हम खाने लगे हैं। मम्मा बस रोटियां बनाने लगी है। देखने में तो काफी अच्छी लग रही है दाल मखनी, अब खा के टेस्ट करेंगे तब भी अच्छी होगी। ये नदीदा, अब देखते हैं गाइस ये कैसी लग रही है शक्ल से, तो आप बताएं कमेंट्स में कैसी लग रही है नदीदे। तो मामा का भी एक कुकिंग चैनल है जिसका नाम है इटलिशियस, जिसमें रोज़ नई डिशेस आती है ना, मतलब रोज़ नहीं कभी कभी नई डिशेस आती हैं, आपने वो ज़रूर देखना और ट्राई करना। और जो मेरी मैंने दी थे, जब मैं उठ चुका हूँ और हम लोगों ने, मैंने अभी नाश्ता भी कर लिया है और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे अब तक क्योंकि नाश्ता ज़्यादा हो मतलब करने लग गया था तो हम लोग लेट हो गए। फिर अब दाल अभी तैयार हो रहा है, हमने कहा कि मैं एक दफ़ा एक क्लिप बना लूँ फिर हम चलते हैं। फिर अभी तो हम लोग बस लेट हो गए थे तो हमने कहा जल्दी से निकल जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और बना रहा हूँ। और मैं भी आपको बाहर का पूरा मौसम दिखाता हूँ। बाहर मौसम अभी बहुत मज़े का है और अंदर का भी बहुत मज़े का है, मतलब कि अंदर का ना थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर, शायद अंदर का 25 हो गया या 21 होगा और बाहर का पता नहीं कितना। गाइस अब मैं स्कूल से आ चुका हूँ और अब हम लोगों ने क्या कहते हैं अब मतलब हम आ चुके और अब हम लोग करने वाले हैं नाश्ता। ओह सॉरी सॉरी, नाश्ता नहीं खाना, अब हम खाना खाने लगे और उसके बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं नहाना है क्योंकि आ चुका मैं। फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद हम लोगों ने अपनी मैंने अपने औरतों के पेपर की तैयारी करनी है और अपने ताने पता नहीं किसी करनी है। और अभी बलाज एक बलाज बाबर आजम बने हुए हैं। तो गाइस अब मैं जुमे के लिए तैयार हो चुका हूँ और अब हम लोग नमाज पढ़ने लगे और हमने खाना भी खा लिया। और ये देखें ये विक्की के फ्रेंड हैं और ये लोग अभी खेल रहे हैं और मैं अब जल्दी से जुमे की नमाज पढ़ लूँ और अभी ताने अभी नहाने सुबह। और ये देखें अब दाल जुमे को अब दाल नहाने जा रहे हैं, फिर हम लोग नमाज पढ़ने लगे हैं, उसके बाद हम लोग पेपर की तैयारी करेंगे। पापड़ बोल तो पापड़ पापड़ आटा बोल तो आटा ले चाटा। तो गाइस हम दोनों ने अपना आधा पेपर याद कर लिया है, अलियान का उर्दू का और मेरा इंग्लिश है। अभी अलियान थोड़ी मतलब तैयारी कर रहे हैं, ये मिकी नया अपना खरीद के लाया टॉय और ये अलियान साहब बैठे हुए हैं, दिखाइएगा क्या लिख रहे हैं। मैं अभी दरख्वास्त लिख रहा हूँ अपनी, देखो आप पता है अभी मैं जल्दी जल्दी खाली ये रखा खाली कब है देखो क्या वो में लिखा तो हुआ है माशाल्लाह मैथ की कॉपी में लिख रहा है, नया खरीदा मिकी हाँ, नया लगा। तो गाइस अब देखते हैं अलियान की कैसी तैयारी होती है, मेरी तो फिट ही रहती है हमेशा नाइस। और अभी हाँ बहुत अभी तो अभी बस थोड़ी ही देर आएगी अलियान से पारा पढ़ने जाने में, फिर आके अलियान जी पे अपना टेस्ट देंगे। क्यों भाई अलियान जी क्या कहने जाएंगे आप? कुछ नहीं। अरे अलियान कल की चपड़े यार कौन अलियान यार नहीं मैंने मजाक कर रहा हूँ यार मजाक लोते नहीं है लोते ओ चीटिंग कर रहे हो चीटिंग नहीं की है देख ले अभी देख लेते हैं जरा अलियान खोल के दिखाना क्या था ये लो झूठे ये तो नहीं था लकबक्का बता ये तो नहीं था यार यार देखा इसने वो उल्लू बना दिया आप सबके सामने इसने पहले अपनी कॉपी खोली फिर किया देखें ये गाइस मुझे उल्लू बना रहे हो देखें और देखें क्या हरकतें कर रहे हैं बलाय ठाकुर साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं और वो मेरा बैग पड़ा हुआ है लेकिन मैं पढ़ाई कोई नहीं कर रहा हो गया मतलब मेरा सब कुछ आधा से ज़्यादा सिलेबस मेरा इंग्लिश का अनसीन है तो ज़्यादा मुझे मतलब है नहीं टेंशन और मुझे बाकी सब कुछ आता है और अलियान क्या कह रहा है और तो गाइस हम लोग फाइनली जा रहे हैं सपारा पढ़ने अब और बलाज रेडी हो जाने के लिए। तो अभी बस अलियान अपना बस जरा पहनने गए हैं ट्राउजर, मैं पूरी तरह तैयार हूँ मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ मैं तो और बलाज भी हर वक्त
तैयार ही रहते हैं, मतलब मैं और बलराज हर वक्त तैयार रहते हैं। लियान का थोड़ा लेट हो जाता है तैयार होने में, ज़्यादा मसला ना होना इसलिए हर वक्त तैयारी रखनी चाहिए यार। भाई जरा भाई जरा यार। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस सपारागढ़ के, और बाहर खेल के भी, और फिर अलिहान ने तैयारी शुरू कर दी है। वैसे है तो आज वो है तो आज फ्राइडे, मतलब दो दिन की छुट्टी है हमें, तब भी अलिहान तैयारी कर रहे हैं। मैं भी करता हूँ, लेकिन मैंने अभी बहुत कम किया है, बहुत गर्मी थी बाहर। गाइस ये बहुत लाइक है तभी मैं तुमसे ज़्यादा लाइक थी। और गाइस बस क्या बताऊँ, मेरी पोजीशन बन रही है अलिहान की तरह। कितने मार्क्स आए हैं उसमें कंप्यूटर के, कितने मार्क्स कटे हैं? 5 आधा पांच नंबर कटे हैं। ओ 5 9.5 आए हैं 10 में से। और वो दूसरे में किसमें मार्क्स कटे हैं? और मेरे बच्चे जाने का प्लान हुआ है, बलाज कह रहे हैं चलो लौट चले, मैं वो तैयार हो, और अलियान मुझे कह रहे हैं इन दोनों का प्लान बनाते। और अलियान आप कुछ कन्वर्सेशन करना चाहेंगे मेरे साथ, मुझे ऐसे सेलिब्रिटी के साथ? देखिए ऑटोग्राफ ले रहा है मेरा। आज का व्लॉग मेरे नाम है ना लियान, गाना सुनाओ कोई मेरे नाम पे। हम तेरे सनम लियान। तो गाइस लियान को बहुत गुस्सा आ चुका है, इसको मैंने रेपटा मार दूर से देख। तेरी और तेरी गाइस। तो गाइस अब मैं इसे छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि इसने मुझे मारा है, और मुझ जैसे शेर को मारने का रिएक्शन नहीं पता। और तेरी ओए गाइस आपको दिखा दूँ लड़ाई, हम दोनों की लड़ाई आम है। बीच में बल्लू की है, खड्डी बड्डी हम दोनों तोड़ देते हैं बीच में। ओए 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 लट्टू यार, अलिया इतनी जोर से नहीं लात मारते। गाइस ने मेरी टांग इतनी पूरी रात मारी। तो गाइस अब अलियान को कुछ नहीं पता, इसका रिएक्शन देखते हैं, मतलब मैं ना इसे एवं जाके मतलब धक्के देना शुरू कर दूंगा, लड़ाई इससे सीरियस जैसे नहीं होती वैसे शुरू कर दूंगा। अभी देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा रहता है। चलो आ जा। ओए अलियान कितने पागल हो तुम, एवं फजूल इंसान, कैमरा मेरे हाथ में होना चाहिए, तुम्हें नहीं व्लॉग बनाना चाहिए। ट्रैक्टर का मतलब चार होता है, तो हम चारों भाई होंगे, लेकिन बनवाया मैंने इधर क्या है, है? अच्छा अच्छा बस सॉरी सॉरी प्लीज गाइस, मैं किसी से सॉरी मांगने वाला तो हूँ नहीं, लेकिन ना आपने लियान का रिएक्शन देख ही लिया। ये मतलब मैं काफी अजीब सा रिएक्शन था, मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा करेगा अलियान। एक बात बताऊँ तुम्हें, ये एक प्रैंक था, ये प्रैंक था, बस दिखाना चाहता था व्यूअर्स को कि तुम यार मतलब कैसा रिएक्शन देते हो। और आए आपको इसकी राइटिंग दिखाता हूँ। ओए ओए यार थोड़ी डार्क लिखकर नज़र नहीं आ रही थोड़ी, इसकी राइटिंग आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये इसने लिखा हुआ है, प्राइस ही नहीं बोलते अरे इससे ज़्यादा अच्छी है मेरी राइटिंग। तो गाइस आप मेरा आपको कमेंट में बताना कि मेरा ब्लॉग मैं ज़्यादा अच्छा ब्लॉग बनाता हूँ या अलियान ज़्यादा अच्छा ब्लॉग बनाता है। अगर अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे ना तो कमेंट करना, आइंदा से मैं ही ब्लॉग अच्छा बनाऊँगा। और आप ये बताएं ये लड़का है कि लड़की? लड़का। अब हम लोगों ने ना खाना खा लिया है, और अब हम लोग का जो पेपर है वो पापा ने वो सॉरी ये क्या हुआ हम लोगों का जो पेपर है वो पापा ने चेक करना था, लेकिन अब हमारे मेहमान आ रहे हैं और हमारे मामू आए हैं और हमारे कजन्स भी आ रहे हैं अभी। और ये देखें मिकी का न्यू टॉय,
ये आप लोगों ने बचपन में खेला ही होगा, ये इनको बहुत पसंद थी तो पापा ने कहा चलो इनको ले ही देते हैं। बैट बॉल पहले इनको बहुत पसंद थी, इनको बैट बॉल भी दे दिया, फिर इन्होंने इसकी रट लगा दी, फिर इसको ले दिया। और अब हमारे जो मामू है ना मतलब वो उनको हमारा जब वो हमारे घर आते हैं ना हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो हमारे घर आए हैं और ये है। और ना वो हमारे साथ बहुत मजाक भी करते हैं और खेलते भी हैं और हमें उनके साथ ना बड़ा मज़ा आता है, इसलिए जब वो हमारे घर आते हैं ना हम तो उनको खुद कॉल करते हैं कि हमारे घर आए, क्योंकि उनकी यहीं कहीं पर जॉब होती है, वो कहीं यहीं करते हैं। और जो हमारे कज़न आ रहे हैं ना भाई साहब, वो जो है ना मोबी, उसको मैं आपको दिखाऊंगा, वो पूरा का पूरा पुष्पा है, पुष्पा। हाँ उसको ना खानदान में हम सारे पुष्पा कहते हैं, मतलब बाहर भी ना उसको उसे उसका नाम पूछे ना तो कहेंगे कि इसका नाम हमने सुना हुआ है, इसका नाम पुष्पा है ना, लेकिन ये कैसा नाम रखा हुआ है। तो हम बताते हैं कि इसका नाम पुष्पा नहीं महबीर है, वो तो एवं पसंद है इसको पुष्पा कहते हैं, लेकिन जब वो धमाल डालेगा ना तब आप देखना यार, ऐसा धमाल डालेगा कि आप लोग देखते रह जाओगे। तो गैस मैं नहा के तैयार हो चुका और मेरी पप्पो और कजन्स भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो मतलब अभी बस वो मेरी पप्पो की तबीयत थोड़ी देख रही थी, वो गए हैं अभी हॉस्पिटल। और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, बाहर अंधेरा बहुत है, लेकिन मैं ऐसे मैं आपको दिखा नहीं सकता, आप वो मैं बाहर जा के दिखाता हूँ, देखते हैं। अब आप तो सुन ही सकते हैं बारिश की, बहुत ऐसी बारिश हो रही है, बहुत मौसम ठंडा हो रहा है, देखते हैं बाहर को हालात। तो गाइस बारिश हो रही है, देख ही सकते हैं, मतलब इधर नहीं नजर आ रही कैमरा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो रही है बारिश। और ये बलाल और मिक्की मेरे साथ दोनों हैं, मेरी पोपो के साथ लेहान के हॉस्पिटल गया हुए दोनों, मतलब गया है आपको दिखाता हूँ। ये देखें थोड़े थोड़ी ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये बारिश के खतरे कैमरे के इतने खास रेंज में नहीं आ रहे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखें थोड़े थोड़े ही आ रहे अब गाइस मौसम तो दिखा रही है, अब देखते हैं वो लोग कब बनाते हैं, हम लोगों को थोड़ी देर लगी है, मैंने लाइट ऑफ कर दी दोनों बिजली। अब मैं आप लोगों को पुष्पा से मंगवाता हूँ, पुष्पा राज इधर देखो कैमरे में, पुष्पा राज दवाइयां ले लेनी, मेरे कजन भी आ चुके हैं, मैं मिलवाता हूँ उनसे अभी। मेरे एक बड़े कजन है वो तो वो खाना खा रहे हैं, अभी आपको अपनी छोटी कजन को मौसी इधर ये मेरी हाय करो आप। शायद ना हमारे मेहमान जाने वाले हैं या फिर कल जाएंगे, तो फिर ये मेरी ब्लॉग का एंड है, क्योंकि हम लोग अब सोने लगे हैं। अब मेहमानों को तो हमें नहीं पता, अगर वो रुके तो हम सुबह मिलेंगे, अगर नहीं रुके तो अभी हम मिलके सो जाएंगे, क्योंकि हमने पेपर की तैयारी करनी होती है, तो हम लोग सुबह जल्दी उठ जाएंगे, इसलिए गुड बाय।